हमारी कमजोरी क्या रही? विदेशी है बहुत अच्छा है, विदेशी है बहुत अच्छा है। आज भी है ना, कैसे मूर्ख हम हिंदुस्तानी हैं। कभी कभी मैं आगरा चला जाता हूं, ताजमहल के आसपास कोई विदेशी आ जाए तो सारे हिंदुस्तानी उसके आसपास ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं जैसे भगवान का दूत उतर आया हो। होता है कि नहीं? दिल्ली में कोई विदेशी घूमने आ जाए, मुंबई में कोई आ जाए, हम उसको ऐसे आसपास घेर लेते हैं जैसे वो देवदूत है। ये हमारी गुलामी की मानसिकता 1757 से भी पुरानी है। इसी ने हमको गुलाम बनाया। उस समय क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव विदेशी है, गोरा गोरा है, लाल लाल गाल दिखाई देते हैं, उसके पीछे 300 सैनिक, 350 सैनिक, वो भी गोरे गोरे हैं, अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं, तो हम तो उनको देखते ही तालियां बजाते रह गए। अगर पत्थर उठा के मारा होता तो मर जाते वो सबके सब वहीं, और देश कभी गुलाम नहीं होता ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये विदेशी गोरे रंग के प्रति जो मोह है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। हम सब हिंदुस्तानियों के खून में घुस गया है गोरा रंग, गोरा होना। मुझे इतना तकलीफ होती है, गुस्सा भी आता है। रविवार का अखबार जब मैं पढ़ता हूं ना, तो उसमें एक कॉलम निकलता है, वैवाहिक कॉलम, मैट्रिमोनियल, तो हरेक को उसमें लिखा रहता है गोरी वधु चाहिए, गोरी बहु चाहिए, गोरी पत्नी चाहिए। अब सबको गोरी चाहिए तो काली कहां जाएंगी? मुझे समझ में नहीं आता ये गोरे रंग के प्रति इतना आकर्षण हम में क्यों आ गया। गोरा एक रंग ही है ना, काला भी एक रंग है। अब देखो ये हिंदुस्तान कैसा बावला और पागल हुआ है। हमारे भगवान श्री राम सांवले हैं कि नहीं, भगवान विष्णु सांवले हैं कि नहीं, भगवान शंकर सांवले हैं कि नहीं, सारे भगवान देवी देवता सांवले या काले, और भक्त सब अपने को गोरा होने के लिए परेशान है। और उस गोरे होने के चक्कर में क्या क्या क्रीम पाउडर लिपस्टिक पोतते रहते हैं, फेयर एंड लवली और क्या क्या, ये सारा तमाशा गोरेपन के प्रति हमारे दिमाग में जो खतरनाक स्तर तक घुसा हुआ है आकर्षण, इसी ने हमको गुलाम बनाया। रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि जो लोग सड़क के किनारे खड़े होकर हमारे रंग को आकर्षित महसूस करते थे, अगर उन्होंने ही पत्थर उठा उठा के मारा होता तो मैं तो वहीं मर गया होता, और भारत में तो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का राज नहीं हुआ होता। लेकिन वहां हमारी गलती हो गई, हम आकर्षण में फंस गए और अंग्रेजों के चक्कर में गुलाम, बंगाल अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। और बंगाल जितना बड़ा राज्य जब अंग्रेजों की गुलामी में आ गया, मैंने कहा, तो फिर धीरे धीरे मद्रास उनकी गुलामी में आ गया, फिर मुंबई गुलामी में आ गया, फिर पूरा भारत गुलामी में आ गया। अब जब गुलामी आ गई तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लूट मार के। मैंने बताया ना, रॉबर्ट क्लाइव ने जैसे ही प्लासी का युद्ध जीत लिया, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, फिर थोड़े दिन के लिए मीर कासिम को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर कासिम की हत्या करा दी, फिर मीर जाफर को बंगाल का राजा बना दिया, फिर मीर जाफर जब राजा बना तब रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है, जो अपने राजा से गद्दारी कर सकता है वो मुझसे भी गद्दारी करेगा। तो एक दिन रॉबर्ट क्लाइव ने खुद मीर जाफर के पेट में छुरा भोंक दिया और मार डाला। गद्दारों का यही अंजाम। अब मीर जाफर तो मर गया, 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के चक्कर में पूरे देश को हमेशा के लिए गुलाम बना गया, कुर्सी के लालच में, पैसे के लालच में वो तो मर गया, लेकिन देश गुलाम हो गया। फिर रॉबर्ट क्लाइव राजा बन गया, बंगाल का राजा बन गया, तो लूटना शुरू किया और लूट के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैंने बताया ना, उसने अकेले कलकत्ता शहर से 900 पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात लूटे, और जब लूट के लंदन ले गया तो लंदन की पार्लियामेंट में उससे बात की गई, जिरह की गई, बहस की गई कि तुम भारत से क्या लाए हो। कहने लगा, सोने चांदी के जहाज भर के लाया हूं। कितने लाए हो? तो 900 जहाज लाया हूं। तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हैरान हो गया, कहने लगा, इतना? उसने कहा, हाँ इतना। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने पूछा, ये कहां से लाए हो? पूरे भारत से। उसने कहा, पूरे भारत से नहीं, भारत के एक शहर कलकत्ता से। पूरे भारत में तो पता नहीं कितना सोना चांदी है। तो फिर उससे पूछा गया, ये कितना है, पैसे कितने हैं, माने कितना है पैसे में ये सारा सामान? तो उसने कहा, 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड, ये उसने रकम बताई थी, इसको लिख लो आप, 1,000 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड।
लूट का जो धन ले गया, सोना चांदी हीरे जवाहरात मुन्ना माणिक मोती जो भर भर के 900 जहाज ले गया था, उसकी रकम उसने बताई 1000 मिलियन। मिलियन समझते हैं, 10 लाख। 1000 × 10 लाख स्टर्लिंग पाउंड, और एक स्टर्लिंग पाउंड इस समय है लगभग 80 रुपए का, और 1757 के स्टर्लिंग पाउंड की आज तक की कीमत 300 गुनी कम हुई है। तो 1000 लिखो, 1000, फिर उसमें 10 लाख का गुणा करो, फिर उसमें 300 का गुणा करो, फिर 80 का गुणा करो, इतनी रकम लूटकर अकेला एक रॉबर्ट क्लाइव ले गया। मैं बताता हूं फिर से, 1000 लिखो, फिर 10 लाख का गुणा करो उसमें, 1000 गुणा 10 लाख, फिर गुणा 300 और गुणा 80, तो आज के हिसाब से रकम निकलेगी। लाखों करोड़ों रुपए में निकलेगी, निकाल लेना इसको आप, मैंने आंकड़ा बता दिया। आप लोगों को यह समझाना जब आप गांव-गांव जाओ कि विदेशी कंपनियों को भगाने के लिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है, क्यों? क्योंकि एक विदेशी कंपनी आई ईस्ट इंडिया, उसका एक अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, वो इतना धन लूट कर ले गया इस देश में से, तो विदेशी कंपनियों को रहना खतरनाक होता है देश में। और रॉबर्ट क्लाइव अकेला एक अधिकारी नहीं था, ऐसे हिंदुस्तान में 84 अधिकारी आए। रॉबर्ट क्लाइव आया, उसने लूटा, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा, फिर कर्जन आया, उसने लूटा, फिर लिनलिथगो आया, उसने लूटा, फिर डिकिन्स आया, उसने लूटा, फिर विलियम वेंटिंग आया, उसने लूटा, फिर कॉर्नवालिस आया, उसने लूटा, ऐसे एक नहीं 84 अधिकारी आए और लूट लूट के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति ले गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जो देश के एक एक घर में सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लगा रहता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 100 साल की लूट में सारा देश कंगाल और भिखारी हो गया। गरीबी पूरे देश में फैल गई।